हिंदी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं वहाँ गया उस समय हिंदी का स्तर बच्चों का ठीक नहीं था। चौथी पांचवी के बच्चों को वर्णमाला नहीं आती थी और आए दिन अभिभावक आते थे कि हमारे बच्चों को कुछ आते नहीं। मैं उस समय वहाँ गणित पढ़ा रहा था, फिर प्रधानाध्यापक जी से मैंने निवेदन किया कि ये मुझे हिंदी दे दीजिए आप, ताकि बच्चों का स्तर सुधारा जा सके। जो प्रयास मैंने किए उनका परिणाम यह है कि इसमें दूसरे से पांचवी तक के सभी बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ना आता है। वो उस भाषा का सहारा लिया मैंने और उससे और सिखाना आसान हो गया। जैसे बच्चों को वर्णमाला के अक्षर ही सिखानी हो तो बच्चा वर्णमाला का अक्षर, जैसे ज अक्षर सिखाना है, अब बच्चा ज अक्षर से परिचित नहीं है, न उसके ध्वनि से परिचित है और न उसके प्रतीक से परिचित है, लेकिन वो जय शब्द से परिचित है और जय शब्द को गांव में जय बोलते हैं, भगवान की जय जय नहीं बोलते पूरा। तो जैसे फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड से मैंने बच्चों को ज शब्द बताया और उसके साथ में एक जैसे ज, सभी बच्चे मैं ज बोलता, सभी बच्चे ज बोलते हैं, शाम को मंदिर में बोलते हैं आरती के समय, अब वो ज शब्द उनके लिए स्थायी हो। बच्चे लेने को गांव में कहते हैं ल, ये चीज ल, ले ऐसा नहीं कहते। अब ल शब्द सिखाने के लिए मैंने लेने की मुद्रा भी बनाई, लेने का भाव भी प्रदर्शित किया, ल शब्द भी उनके सामने प्लस कार्ड के रूप में, तो बच्चे उसका जल्दी ही पहचानने लगे उसको। इस तरह अन्य शब्दों का भी जो गांव में जो प्रतीक थे आसानी से मिल सकते थे, द देना, इस तरह से और भी बहुत से शब्द हैं, तो उनका सारा लिया। इसके अलावा जैसे पाठ पढ़ रहे हैं अपन, तो गोले में बिछा बिठा करके बच्चों को और एक एक बच्चे से एक एक वाक्य बताएगा। पाठ का पहला वाक्य पहला बच्चा बोलेगा, उसके बाद में वो बताएगा अपने घर की बोली में, तो उस वाक्य से उसने क्या समझा। वो बोलता है अन्य बच्चों से भी उसको पूछा जाता है कि आप क्या, जो इसने बताया, जो इसने समझाया इसका भाव, उससे आप संतुष्ट हैं। अगर यदि वो संतुष्ट हैं तो सब कह देते हैं, नहीं तो कुछ जोड़ भी देते हैं कि नहीं ये इसने इसका अर्थ अधूरा है, इसका अर्थ ये है। पर वो अगर वो बच्चा अपनी घर की बोली में बता देता है तो इसका अर्थ हुआ कि उस वाक्य का अर्थ वो समझ गए। दूसरा बच्चा दूसरा वाक्य बोलता है, फिर वो भी उसका अर्थ बताता है। इस तरह पूरे समूह द्वारा उस पाठ को पूरा किया जाता है। अंतिम वाक्य बच्चा अंतिम बच्चा बोलता है, उसके बीच बीच में चर्चाएं भी चलती है, यानी उसका अनुवाद वो घर की बोली में करता है। तो उसका सारा मैंने स्थानीय बोली का जो पुस्तकें स्कूल में उपलब्ध है तो वो बच्चों को देते हैं। वैसे मैंने एक क्रम शुरू किया था कि जो बच्चा स्कूल में रहकर सबसे हिंदी में बात करेगा, अधिकतर हिंदी में बात करेगा, उसको एक पारितोषिक के रूप में हर महीने एक किताब दी जाती है, कहानियों की किताब। वो कई बार मैं परचेज करके दे देता हूँ, कई बार वही कोई उपलब्ध होती है तो बच्चों को देते हैं, तो प्रोत्साहन देते हैं और उपलब्ध जो किताबें होती हैं वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी बोलने के अवसर उतने नहीं हैं जितने हिंदी बोलने के अवसर। बच्चा घर पर जाकर टी वी देखता है, वह हिंदी में ही समझ पाता है वो, और हिंदी के कार्यक्रम ही देखता है, रेडियो में हिंदी कार्यक्रम सुनते हैं, और अगर कोई आसपास पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो हिंदी बोलने के और सुनने के अवसर उनके पास अधिक है बजाय अंग्रेजी के। और अंग्रेजी को अगर कोई प्रोत्साहन देना चाहता है तो वो भी अच्छी बात है। फिर सभी पाठ्य पुस्तकें हिंदी में ही हैं, अधिकतर अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित भी हिंदी में है, सामाजिक भी हिंदी में है, तो बच्चे को हिंदी आना ही चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो बच्चों की झिझक बोलते हैं ताकि वो निडर होकर अपनी अभिव्यक्ति दे सके, और इसके लिए बच्चों से एक तरह से दोस्ती जैसा व्यवहार करना पड़ता है। और जब ये विश्वास हो जाता है कि बच्चे की झिझक पूरी तरह से दूर हो गई है तो उनको वर्णमाला के अक्षरों से परिचित कराया जाता है। तो एक कुछ फ्लैश कार्ड्स मैंने लगा रखे हैं,
इन फ्लैश कार्ड्स की सहायता से उन बच्चों को बताया जाता है। जैसे ये है जैसे अब बच्चों को ध एक ध्वनि से परिचित है। कुएं में अगर पत्थर गिरता है तो उसकी एक ध्वनि ध होती है और बच्चे इससे परिचित भी थे, तो बच्चे इस तरह की आवाज में करते हैं ध और पत्थर पटकने की मुद्रा भी बनाते हैं। अब ये अक्सर बच्चों के लिए स्थायी हो गए ध, और जैसे अब ध कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा तो बच्चे उसको पहचान लेंगे। कहीं कोई कमजोर बच्चा नहीं भी पहचान पाता और अगर बाद में यूँ इशारा कर देते हैं तो बच्चे को तुरंत याद आ जाता है। तो और छोटे जो बच्चे हैं उनकी ग्रहण शक्ति अलग अलग हो सकती है, खासकर अनुपस्थिति की बड़ी समस्या है। बच्चे कोई बच्चा जैसे 3 दिन तक नहीं आता, कोई 7 दिन तक नहीं आता, खेतों में काम करते हैं और वापस आता है तो वो पहले की कड़ी से उसको जोड़ना पड़ता है। इसके लिए कुछ ग्रुप बनाए थे मैंने, 4 ग्रुप, तो उन बच्चों को संबंधित ग्रुप में बैठा दिया जाता है कि ये उसका पूर्व ज्ञान कहाँ तक है, उससे आगे शुरू करने के लिए वो किस स्तर को बिलोंग करता है। तो इस तरह से ग्रुप बनाए गए, इन फ्लैश कार्ड्स का सहारा लिया गया। और जैसे कोई बच्चा पहले ग्रुप में, तो उसमें भी उसकी वरीयता है, जो सबसे होशियार बच्चा है वो बोर्ड में लिखी पाठ्य सामग्री को या चार्ट की सामग्री को या फ्लैश कार्ड को वो सबसे पहले बुलाएगा। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि जिस बच्चे की ग्रहण शक्ति उससे कम है उसको उसकी बाद में बुलाया जाता है। सबसे कमजोर बच्चा को सबसे बाद में बुलाया जाता है, तो वो सबसे कमजोर बच्चा कितने बोल, जब उसके पहले इतने लोग बोल चुके तो वो अच्छी तरह से समझ जाता है, याद भी होता है और उसको समय भी मिल जाता है ग्रहण करने। इस तरह से बच्चों को वर्णमाला सिखाने का प्रयास करते हैं। इसका आकलन करते हैं, जैसे मान लो बच्चों को कोई कहानी बताएगी, अब उस कहानी में घटनाएं क्रमश होती, बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न प्रति प्रश्न किए जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो किसी एक बच्चे से पूछा जाता है कहानी कहाँ से शुरू हुई, फिर अगले बच्चे से पूछा उसके बाद में क्या क्रम है, उससे संबंधित प्रश्न यदि आप उसकी जगह होते तो क्या करते, या कहीं तुलना करवानी हो तो वो तुलना से संबंधित प्रश्न, और उनकी तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति के परीक्षण के लिए भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरह से सभी बच्चों से पूछ कर ये अंदाज लगाया जाता है कि कहाँ तक बच्चे सीख पाए। वैसे तो बच्चों के जो अभिभावक हैं वो खेतों में चले जाते हैं या अपने काम धंधे में चले जाते हैं, पर जब भी वो मिलते हैं उनसे ये आग्रह करते हैं कि आप बच्चे को घर पर देखें। अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता तो बच्चा जो आपको पाठ सुना रहा है उसको आप सुनते रहें, भगवान ने आपको सुनने की क्षमता दी है, तो बच्चा जो भी पढ़ रहा है उस पर आप हाँ करते रहें, गर्दन हिलाते रहें, पर बच्चे का पूरा पाठ सुने, वो क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, उस पाठ में क्या पढ़ा। हम बच्चों को स्कूल में भी अच्छी तरह से कहते हैं कि आप अपने घर वालों को जाकर जो स्कूल में पढ़ाया है वो उनको सुनाएंगे, और उधर घर वालों को कहा जाता है कि आप बच्चे की सुनेंगे। और एक दो बार मैंने प्रयास भी किया, जो अभिभावक फुर्सत में अगर होते हैं तो बच्चों के द्वारा ही बुलवा लेते हैं और वो सामने बैठ जाते हैं क्लास के, और उनका बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रस्तुत कर रहा है वो खुद देखते हैं। और कुछ बार तो आधा आधा घंटे तक बैठे हैं अभिभावक, उनकी परफॉर्मेंस उनके बच्चे की परफॉर्मेंस उनके सामने बताई गई। तो प्रयास तो रहता है पर अभिभावक को समय कम मिलता है। बच्चे एक चुनौती है, उनको कहाँ कठिनाई आती है उन पर अपन को नज़र रखनी होगी और स्वयं को उसके लिए संघर्ष करना होगा।